माथे किलोमीटर पड़ा तो यहाँ ले 3 किलोमीटर। मन की जानकारी बातचीत मेरे को तो अच्छा लगा और आज मैं पहली। हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पीछे दिख ही रहा होगा धान मंडी और मैं आई हूँ राजनांदगांव के गंज मंडी में, जहाँ पे धान की खरीदारी होती है और उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आई हूँ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ और कोई सर हैं उनसे मैं बात भी कराती हूँ। ये है धान मंडी जहाँ पे धान ऐसी ही कुड़वाए रहता है। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ को इसीलिए कहा जाता है धान का कटोरा, जहाँ पे पूरी धान एक साथ खरीदी जाती है। अब हमें तो नहीं पता कौन सी धान क्या है कैसा है। इधर धान कुढ़ाया हुआ है और इधर बोरिया में भरी हुई है। कौन सा धान क्या है कैसा है कुछ जानकारी मेरे को तो नहीं है और अंदर जाने की भी उतना परमिशन नहीं है, पर भी मैं थोड़ा थोड़ा जाके आप लोगों को दिखा रही हूँ। देख लीजिए धान, बहुत ही धान की खुशबू जो है वो आ रही है। पूरी बोरी में भराया हुआ है। तुमन बोरी में पैक कर थो, हैं? बोरी में पैक कर थो, इसलिए कुड़वा के तब लाए रहते तेल पैक कर थो। रोजी मा तो ठेका मा तो बोरा हिसाब। अच्छा, जो जितना पैकिंग करी उतना ओकर पैसा बन, एक बोरा के रुपए बनते हैं। अच्छा अच्छा, एक बनाते हो मैं। हाँ दीदी, हाँ कैसे कर बे। एदल धर दे महारा, आना जाना कर था रंगा था ऑटो माथे 3 किलोमीटर बोरी हिसाब। कभी 9 बज जाते, कभी 7 बज जाते, कभी 8 बज जाते, काम ऊपर है। हाँ नो है गर्मी फसल के। हाँ 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 महामाया, यह 13-14 24 25 ऐसे चलाते हैं। इस तरीके से है धान की मंडी और ये है राजनांदगांव सुमित बाजार। जो आते हो आप लोग उसी के पीछे में है आपका सुमित बाजार, भी फेमस है गंज मंडी, धान मंडी, सब्जी मंडी, उसी के नाम से फेमस है। तो ऐसा रहा मेरा धान की जानकारी बातचीत, मेरे को तो अच्छा लगा और आज मैं पहली बार
मंडी को देखी हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। आप राजनांदगांव आएंगे और राजनांदगांव में आएंगे तो गंज मंडी पूछेंगे तो हर कोई बता देंगे फेमस है ये जगह, और हमारा राजनांदगांव तो हर जगह ही फेमस है। तो चलती हूँ, आज की जानकारी मेरी इतनी ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई जानकारी नई जगह के साथ में। तब तक के लिए जय जोहार और जय माता।